देश में बढ़ते मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में हमने देखा है कि एक फास्ट एक्शन हमेशा ही ईडी द्वारा लिया गया है। हालांकि इसके साथ लोगों ने ये भी ऑब्जर्व किया है कि सेंट्रल एजेंसी ने हमेशा ये फास्ट एक्शन सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ उठाया है। इस बात का तो फैसला हम आप पर छोड़ते हैं कि ये सच है या नहीं, पर इस फास्ट एक्शन की वजह से दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी के टॉप लीडर्स दिल्ली एक्सरसाइज पॉलिसी स्कैम में बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। दिल्ली सीएम के अलावा एक समय पर झारखंड सीएम हेमंत सोरेन भी एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल थे और वही कर्नाटका के सीएम पर भी कुछ ऐसे ही इल्जाम लग रहे हैं। तीनों सीएम में कॉमन लिंक ये है कि वे अपोजिशन से बिलोंग करते हैं। यूनियन को इस केस में फटकारने के अलावा एक फटकार सुप्रीम कोर्ट को भी पड़ती है और सुप्रीम कोर्ट को ये फटकार इसलिए सुननी पड़ती है क्योंकि कई जजमेंट्स में उन्होंने ही ईडी को पीएमएलए के तहत इतनी पावर्स दी है कि वे अपनी मनमानी करते हैं। स्पेसिफिकली यहाँ बात हो रही है 2022 जजमेंट विजय मदन लाल चौधरी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस प्रोविजंस ऑफ द प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट रिलेटिंग टू अरेस्ट, सर्च, सीजर, बेल एक्सेट्रा को अपहेल्ड किया था। इस जजमेंट के खिलाफ भी कई रिव्यू पिटिशंस फाइल किए गए थे और अब फाइनली जाकर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस मामले में हियरिंग शुरू कर दी है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस केस की फर्स्ट हियरिंग में क्या हुआ और पिटिशनर्स की ओर से मौजूद होते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या सबमिशंस रखे हैं, आगे देखते हैं। असल में इस रिव्यू पिटिशन की सुनवाई बहुत टाइम से ही डिले की जा रही थी, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई डीवाई चंद्रचूर खूब बैकलैश सह रहे थे। 2022 में जब सुप्रीम कोर्ट ने विजय मदन लाल जजमेंट दिया था तो उसके एक महीने के अंदर ही इस जजमेंट के खिलाफ रिव्यू पिटिशन आ गए थे और उस समय के सीजीआई एनवी रमन ने इस मामले में नोटिस इशू करते हुए ऑब्जर्व किया था कि सुप्रीम कोर्ट को एटलीस्ट दो मामलों में तो एक रिव्यू करना पड़ेगा। और जब ये मामला 7 अगस्त को जस्टिस सूर्यकांत, सीटी रवि कुमार और उज्जल भुवन की बेंच के सामने पेश हुआ तो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने पिटिशनर्स की ओर से मौजूद होते हुए स्टेट किया, द जजमेंट नीड्स टू बी फुली रिव्यूड। हालांकि इस पॉइंट पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो कि ईडी की ओर से मौजूद थे, ने सुप्रीम कोर्ट बेंच से रिक्वेस्ट किया कि वे इस केस को किसी और दिन के लिए लिस्ट करें, एंड दैट दिस हैज कम अप सडनली, वी नीड सम टाइम टू प्रिपेयर, वी केम टू नो दैट द मैटर हैज बीन लिस्टेड फॉर हियरिंग लेट लास्ट नाइट, प्लीज हैव दिस एट अ लेटर डेट। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट बेंच विचार करने लगी कि क्या ऑलरेडी इतने समय से डिले चल रहे मामले को और डिले करना चाहिए या नहीं। इसके साथ ही जस्टिस रवि कुमार ने एक और सवाल उठाया कि क्या ये रिव्यू पिटिशन नहीं होकर एक अपील है, एंड स्टेटेड कैन दिस पार्टी कैरेक्टर ऑफ अपील, इट इज टू बी सील। जिसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि वे इस मामले में अच्छा खासा टाइम देंगे। इस पॉइंट पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी सजेस्ट किया, फिक्स इट फॉर 2 to 3 days इन अ रो सो इट कैन बी ओवर। इस हियरिंग ने एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट तब लिया जब जस्टिस सूर्यकांत ने स्टेट किया कि सम लीगल इश्यूज वी थिंक Yes, there is error in our understanding. और जिसके बाद सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी कहा कि इट्स ऑलरेडी देयर, ऑल इश्यूज वी थिंक हैव बीन रॉन्गली डिसाइडेड अप बिफोर योर लॉर्डशिप्स, इट्स ऑल देयर। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी इनपुट देते हुए कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस इशू किया था तो उसके बाद ही उन्होंने दोनों इश्यूज को आइडेंटिफाई किया था, और जिसके बाद वापस से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने स्टेट किया कि अफिडेविट विल रिफ्लेक्ट इटसेल्फ एंड अफिडेविट विल नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ये सब सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस मामले को अब 28 अगस्त के लिए लिस्ट कर दिया है और उस दिन 11:30 बजे ये मैटर टेकअप होगा। तो देखते हैं कि इतने समय के बाद जाकर सुप्रीम कोर्ट क्या पीएमएलए के प्रोविजंस को अपहेल्ड करती है या नहीं। अब जब इस मामले में सुनवाई शुरू ही हो गई है तो डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये पूरा विवाद। ऑन July 27, 2022 द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड की प्रोविजंस ऑफ द पीएमएलए इन विजय मदन लाल चौधरी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। अपने 540 पेज रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यूनियन गवर्नमेंट के ऑलमोस्ट सारे आर्ग्यूमेंट से अग्री किया था जो कि पिटिशनर्स ने चैलेंज किया था, फ्रॉम रिवर्सिंग द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस वाइल ग्रांटिंग बेल टू पासिंग द अमेंडमेंट्स एज अ मनी बिल अंडर द फाइनेंस एक्ट टू डिफाइनिंग द कॉन्टोर्स ऑफ द पावर्स ऑफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सब कुछ से ही सुप्रीम कोर्ट ने अग्री किया था। हालांकि एक महीने के बाद ही ऑन August 25, 2022 सुप्रीम कोर्ट की एक दूसरी 3-judge bench डिसाइडेड टू हियर अ पिटिशन सीकिंग अ रिव्यू ऑफ द मदन लाल डिसीजन फाइल बाय कांग्रेस एमपी कार्ति चिदंबरम। इस बेंच में तब के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन, जस्टिसेस दिनेश महेश्वरी और सीटी रवि कुमार मौजूद थे और जिन्होंने स्टेट किया था कि एटलीस्ट 2 of the issues रेज्ड इन द इंस्टेंट पिटिशन रिक्वायर्स कंसिडरेशन, जिसमें से पहला है कि कैसे ECIR इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट द इक्विवेलेंट ऑफ FIR इन मनी लॉन्ड्रिंग केसेस की एक कॉपी अक्यूज्ड को नहीं मिलती है, और दूसरा कि कैसे पीएमएलए केसेस में अक्यूज्ड को ही खुद की इनोसेंस प्रूव करनी पड़ती है। अब एक नजर डालते हैं कि इस रिव्यू पिटिशन में किन बातों के खिलाफ एक जांच की मांग की गई है। पीएमएलए केसेस की बात हो रही है तो इसमें सबसे हाईलाइटेड चर्चा रहती है बेल की। द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इन मदन लाल साइटिंग अ कंपेलिंग इंटरेस्ट इन इम्पोजिंग स्ट्रिंजेंट बेल कंडीशंस फॉर इकोनॉमिक ऑफेंसेस अपहेल्ड द बेल प्रोविजंस अंडर पीएमएलए दैट इम्पोज अ रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द अक्यूज्ड।
अब यहाँ पर पिटिशनर्स का ये पॉइंट था कि इन द एब्सेंस ऑफ एन FIR और इक्विवेलेंट कंप्लेंट चार्जशीट केस डायरी नॉट मेंटेन्ड एंड डॉक्यूमेंट्स रिलाइड अपॉन बाय द प्रोसिक्यूशन नो अक्यूज्ड कैन प्रेजेंट फैक्ट्स एंड सबमिशंस टू पर्सुएड द स्पेशल कोर्ट टू बिलीव दैट ही इज नॉट गिल्टी ऑफ सच ऑफेंस। और ऐसे में एक अक्यूज्ड खुद को डिफेंड ही कैसे करेगा। दूसरा पॉइंट बनता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को पुलिस से ज्यादा पावर देने का। सुप्रीम कोर्ट ने विजय मदन लाल जजमेंट में सेक्शन 50 ऑफ PMLA को भी अपहेल्ड किया था दैट एम्पावर्स ED ऑफिशियल्स टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स ऑन ओथ फ्रॉम एनी पर्सन। दिस इज एडमिसिबल इन कोर्ट अनलाइक स्टेटमेंट्स और कन्फेशंस मेड टू द पुलिस। द वर्डिक्ट हेल्ड दैट ऑफिसर्स ऑफ द ED आर नॉट पुलिस ऑफिसर्स एंड इन्वेस्टिगेशंस फॉर इंक्वायरीज। इन लाइन विद दिस रीडिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो सेड दैट द ED नीड नॉट सप्लाई अ कॉपी ऑफ द इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट विद एन अरेस्टेड पर्सन। और यहाँ पर पिटिशनर्स का पॉइंट ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बहुत ही ऑब्वियस प्रोविजंस को नजरअंदाज किया है विच गिव पीनल पावर्स टू द ED वाइल मेकिंग दिस डिटरमिनेशन। अब जो इस मामले की हियरिंग फाइनली शुरू हुई है तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला ले सकती है। इस केस में पिटिशनर्स की ओर से सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी दिखे हैं और हमें पता ही है कि दोनों ने कई बार PMLA के खिलाफ बोला है। एक इंटरव्यू में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने क्या बोला है एक नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री की लाल आंख इस PMLA, इट हैज नथिंग टू डू विद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इट इज प्रधानमंत्री की लाल आंख, मतलब कि ईडी भेज दो जो मर्जी करवा लो। तो ये लाल आंख जुडिशरी पे भी है उसका मतलब? नहीं, जुडिशरी की तो बात ही नहीं हो रही, इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही। अगर आपको, अगर किसी को पकड़ना है तो ईडी भेज दो, किसी के बयान ले लो, ओरल बयान ले लो, वो ओरल जो मर्जी कह दे कि भाई इसकी संपत्ति है उसकी संपत्ति है, उस आधार पे उसको अरेस्ट कर लो। वो बाद में देखा जाएगा। तो अप्रूवर इज अ रॉन्ग थिंग टू गो बाय। फॉरगेट अप्रूवर, दे डोंट इवन समटाइम्स हैव एन अप्रूवर। दे हैव एन अप्रूवर इन दिस केस, वी आर नॉट टॉकिंग अ पर्टिकुलर केस, दे हैव सेवरल वेज ऑफ डूइंग इट। वन ऑफ द वेज इज कि आप किसी जगह पे चले जाओ, वो जगह पे कोई लैंड है 5 acres का या 2 acres का, उसे बयान ले लो, ये 2 acres तो प्रधान मुख्यमंत्री का है, उसका बयान ले लो। आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, आप मुख्यमंत्री को नोटिस दे दो, उसका बयान आप बताओ नहीं, और मुख्यमंत्री बोलो ये तो आपकी जमीन है, बोला मेरी कोई जमीन नहीं है, चलो तुम्हें अरेस्ट कर लिया, ये तो हो रहा है। देयरफॉर प्रधानमंत्री लाल आंख। यू कॉल्ड इट अ फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर आल्सो। इट इज अ स्ट्रांग आर्म ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज नथिंग टू डू विद लॉ एनफोर्समेंट। So, there is no evidence against Kejriwal or Sisodia or Jain. There is no money trail. Nobody says how much money is given to whom. There is no bank account. There is no nothing. It's oral statement, है ना लोगों की, और approver 12वीं statement पे, मतलब 10 statement में उसने कोई नाम नहीं लिया, 12वीं statement पे approver बन गया और फिर पैसा दे दिया क्या। और इस केस की लीगल अपडेट से जुड़े रहने के लिए keep following Law Chakra.